जिसको आप मनूवर करके मालिक हम अगर कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, और ये दो बंदों ने दो साल में आप उन्हीं की वजह से हर चीज जीते, नहीं तो आप और दो मैचों में उन्होंने रन नहीं किए तो हमने सारा कुछ उन पे डाल दिया और बाकी लगता है कि हमारी टीम किसी ने बैटिंग करनी ही नहीं। दो मैचों के बाद हम कह रहे हैं कि यही जिम्मेदार है हर चीज़ का भाई। वो अब हम कहते थे ना वो बॉलें ज़्यादा खेलते हैं भाई, आउट हो गए तो नीचे से आप कर दो ना, फिर आप में अगर इतनी कैपेसिटी है। अब उन्हीं दो को जो आपको जिता रहे थे कर रहे थे उन्हीं को ही टारगेट हमने किया है, बाकी किसी चीज़ को हम नहीं देख रहे, तो ये गलत है कि इतनी जल्दी दो इनिंग्स का भी उनको हम कुशन नहीं दे रहे हैं। आई कैन इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं। ये जो दो मैच वर्ल्ड कप में हुए हैं उसमें कोई इट्स नॉट अबाउट देयर परफॉर्मेंस, वो ये नहीं कह रहे कि बाबर और रिजवान एकदम एवरेज प्लेयर हो गए, मैं ये सोच रहा था कि किसके जिक्र कर रहे हैं, बिकॉज वर्ल्ड कप पे टाइम नहीं है आपके पास, दिस इज द डू और डाई गेम, वी हैव टू विन दिस गेम एंड देन बांग्लादेश हैज टू विन एज वेल अगेंस्ट देम एंड देन साउथ अफ्रीका इंडिया मैच भी बड़ा डिपेंड करता है, वहाँ इंडिया हैज टू विन यही बात है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, इसका मतलब है अब इंग्लैंड में बटलर ने दो इनिंग्स में रन नहीं किए, बटलर को भी अगले मैच में ओपन नहीं करनी चाहिए, ये तो यही है ना, टाइम तो उनके पास भी नहीं है, नहीं तो कौन कह रहा थोड़ा सा कंडीशन में दोबारा बना दे उनको ओपनर। देखें आपको अभी ये डिमांड कर रही है ये चीज, इसलिए आपको ये ज़रूरत है और मुझे लगता है कि बिल्कुल आपका कोई ऐसा बैट्समैन होना चाहिए ऊपर। देखें जिन कंडीशन में आप जा रहे हैं ना खेलने, दो ही चीज़ें हैं, थ्रू द लाइन शॉट्स पर्थ में हमने देखा नहीं लग रहे और दोनों का जो गेम है वो खेलते ही थ्रू द लाइन है, रिजवान भी और बाबर भी, इसलिए आपको लेफ्टी जो है वो अभी डिमांड कर रही है ये चीज़। ये नहीं कह रहे कि जी दो मैचेस में रन नहीं किए तो ऊपर नीचे कर दें, बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी आपकी ज़रूरत है इस चीज़ की। और देखें अगर बाबर खेलता नीचे तो वो आपका बेस्ट प्लेयर है व्हेन इट कम्स डाउन टू स्ट्राइक रोटेशन, बड़ी बाउंड्रीज है, बड़ी बाउंड्रीज हैं, तो वहाँ पे आपको कौन सा बैट्समैन चलेगा, वो चलेगा जिसको नीचे गैप्स में खेलना आता है। जी वकार, मेरा क्वेश्चन ये है कि यू नो हम जब नीचे वाले हम अपने बैट्समैन जब बचाने के चक्कर में जाते हैं या एक दो विकेट जब गिरती हैं ऊपर से तो हम क्या कहते हैं, कभी शादाब को भेज देते हैं ऊपर, कभी नवाज को ऊपर भेज देते हैं, बैट्समैनों को ऊपर भेज देते हैं, सो वी डू मेक चेंजेस, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। नंबर्स हमें मैच जीतना मकसूद है ना, सबसे जो बड़ी चीज़ है वो हमने मैच जीतना है, मैच जीतने के लिए अगर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो आई डोंट माइंड एट ऑल। नथिंग टेकन अवे फ्रॉम बाबर एंड रिजवान, दे हैव बीन सुपर्ब, हमारी मिडल ऑर्डर की तो हमने तो उधेड़ के रखा हुआ है उनको पिछले साल दो साल से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम क्योंकि हमारे पास अगर फ़खर टीम में आता है तो दैट मीन्स आपके पास फ़खर और शान दो लेफ्ट हैंडर हैं और ऊपर आपके पांच बैट्समैनों में, उसके बाद फिर आपके पास इफ्तिखार है और दो ओपनर हैं, सो इस तरीके से बैटिंग ऑर्डर का किया जा सकता है कि आप कोशिश करें कि जो फील्ड के अंदर जब क्रीज के ऊपर आपके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऑलवेज रहें, डोंट वरी अबाउट कि जी कौन किस नंबर पे बैटिंग कर रहा है। ओके सो इंटरेस्टिंग, यू नो वो शुएब सेज के यहाँ पर थ्रू द लाइन शॉट नहीं लगती, मिसबा कहते हैं कि ये पिछे बिल्कुल आइडियल है बाबर रिजवान के लिए, फिर साथ में वकार हैज़ अ वेरी गुड पॉइंट व्हेन मिसबा सॉरी शुएब आल्सो कि बाबर अगर नीचे आते हैं तो ही इज़ वेरी गुड इन पिकिंग अप दीज गैप्स एंड डूइंग द वंस एंड द टूज इन द स्ट्राइक रोटेशन, एंड वकार सेज यस हम लोग वैसे भी करते रहते हैं बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस, तो अगर ऊपर कर लेंगे तो कोई गुनाह तो नहीं हो जाएगा खुदा ना खास्ता। एंड देन आई अंडरस्टैंड व्हाट मिसबा इज आल्सो सेइंग इज दैट कि हम शायद कुछ लोग जो हैं वो इस बात को पकड़ के बैठ गएंगे जी ओपनर्स हमारे नहीं चले तो हुए, लेकिन आपका पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि जब नहीं चले ओपनर्स तो नीचे वालों को जब पूरी बॉलें मिली तो उनसे 130 भी नहीं चेस हुआ, यही है ना सारी, सो देयर आर आई थिंक देयर बैलेंस्ड ओपिनियंस ऑन ऑल साइड्स हियर ऑफ दिस डिबेट, देयर आर टू देयर आर थ्री डिफरेंट वर्जंस हियर एंड आई थिंक एवरीवन इज लॉजिकल इन इट्स ओन मेरिट्स। विद दैट बड़े रेयरली होता है कि मैं कोई इस तरह की बात सुनता हूँ अपने शो के ऊपर।